आप सभी का अपने YouTube चैनल हेमंत केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। और आप सब लोग कैसे हैं? कोरोना के संकट काल में कैसा चल रहा है सब कुछ? सबसे ज्यादा प्रभावित तो हमारी पढ़ाई ही है, जो सबसे जरूरी चीज है वही प्रभावित है कोरोना से। चलिए खैर कोई बात नहीं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं कि केमिस्ट्री आपकी जो है, केमिस्ट्री का बेस क्या है, किस तरीके से आप अपनी केमिस्ट्री को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, केवल मात्र आपके सोचने मात्र से। यदि आप सोच के चलते हैं, सोचते हैं कि केमिस्ट्री हमारी स्ट्रॉन्ग हो जाए तो अवश्य स्ट्रॉन्ग होगी, लेकिन उसके बारे में थोड़ा आपको जो है प्री प्लान रहना है और अपने आप को उसी हिसाब से अपडेट भी करना है। आप देखते हैं बच्चों के बीच में सब्जेक्ट की हम बात करते हैं तो सबसे कठिन सब्जेक्ट बच्चों को केमिस्ट्री ही लगता है। केमिस्ट्री तो वाकई कठिन तो है ही, लेकिन कठिन कुछ नहीं, बच्चे थोड़ा उसको प्रॉपर तरीके से ध्यान नहीं देते उस पर। यदि प्रॉपर तरीके से ध्यान दें तो कठिन नहीं है, बहुत ही है, सबसे ही आपको केमिस्ट्री ही लगेगी। तो चलिए हम केमिस्ट्री के बेस के बारे में बात करते हैं। केमिस्ट्री का बेस आप लोग किस तरीके से कैसे अपना जो है बना के चले, ताकि बोर्ड एग्जामिनेशन उसके आगे कॉम्पिटिशन कोई भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम देंगे आपको केमिस्ट्री रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी। कब नहीं होगी? जब आपने बेसिक से ध्यान दिया। तो केमिस्ट्री का बेस स्ट्रॉन्ग होना बहुत आवश्यक है। बेस का मतलब क्या हुआ कि मेन जो हमारी केमिस्ट्री स्टार्ट होती है वो 9th 10th से लेकर के 11th 12th तक। यदि आपने 9th 10th 11th 12th को बहुत अच्छे से ध्यान दिया हुआ है तो आप केमिस्ट्री में कठिन शब्द कहना भूल जाएंगे, आपको केमिस्ट्री कठिन नहीं लगेगी। आप कहेंगे केमिस्ट्री जी कुछ भी नहीं है, सबसे जी केमिस्ट्री ही है, लेकिन उसके लिए थोड़ा आपको प्लानिंग से ही काम करना है। प्लानिंग का यहाँ पर मतलब होगा कि आप उसको किस तरीके से कैसे क्या रिवाइज करें, क्या तैयार करें, क्या कमांड करें, ताकि आपको केमिस्ट्री कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए केमिस्ट्री एक क्रिटिकल सब्जेक्ट तो है ही, डेफिनेटली नो डाउट क्रिटिकल सब्जेक्ट, लेकिन इसको सिस्टम से आप पढ़ें। सिस्टम का मतलब यहाँ पर है कि जैसे केमिस्ट्री में केमिस्ट्री क्या होती है, पहले आप उसके बारे में देखें। केमिस्ट्री आप जो पढ़ रहे हैं, जो पढ़ने जा रहे हैं, वो हमारी क्या होती है। तो जो भी आप चेंजेस देखते हैं, जो भी आप सीन करते हैं, जो भी आपको दिख रहा है वो हमारी केमिस्ट्री होती है। जो भी आपके चारों तरफ है वो हमारी केमिस्ट्री है, बगैर केमिस्ट्री के कुछ नहीं है। केमिस्ट्री के बिना कुछ भी नहीं, नथिंग, केमिस्ट्री सब कुछ है, तो ये मान के चलिए। तो केमिस्ट्री में सबसे पहले तो बच्चों को एलिमेंट्स के बारे में ज्ञान होना चाहिए कि एलिमेंट्स हमारे क्या होते हैं और एलिमेंट के सिंबल्स क्या होते हैं। बहुत से बच्चे हैं 12th तक पहुंच जाते हैं, हम देखते हैं उनको सिंबल ही नहीं आते हैं, कहीं सीव लिख दिया तो उनको मालूम नहीं है सीव हमारा सीव क्या होता है। तो पहले आप उनका सिंबल तैयार करें, आपको जो मोस्टली कॉमन एलिमेंट्स हैं उनका आपको सिंबल जरूर मालूम होना चाहिए कि किस एलिमेंट को, किस एटम को किस सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके साथ साथ उसके उनके एटॉमिक नंबर्स वगैरह भी आपको तैयार करने हैं, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। तो एटॉमिक नंबर की ज़्यादा जरूरत पड़ती है तो एटॉमिक नंबर आपको लर्न होना चाहिए, ना ज़्यादा तो कम से कम 50 तक तो आप लर्न कर ही लें। ये बेसिक चीज़ बता रहा हूँ कि कैसे आप केमिस्ट्री को कमांड करेंगे। यदि आप ये सारी चीज़ें करते चल रहे हैं स्टेप वाइज तो आपको केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, केमिस्ट्री आपको सबसे ईजी लगेगी, इससे ये सब्जेक्ट ही नहीं है आपको। तो सबसे पहले आप जो है एलिमेंट देखें और एलिमेंट के सिंबल्स वगैरह देखें आप। इनके बाद फिर मॉलिक्यूल्स हमारे क्या हैं, मॉलिक्यूल आपके कंपाउंड क्या हैं, तो एटम्स, उनके सिंबल, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, मिक्सचर, ये सब क्या होते हैं, इनकी जानकारी आपको बहुत आवश्यक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं रिएक्शन के बारे में। आप देखते हैं कोई भी केमिकल रिएक्शन कराते हो नया प्रोडक्ट बन जाता है आपको, तो ये थोड़ा आपका लेवल हायर हो गया। 10th में आप केवल यही देखें कि इसमें आपका जो बेस है उसको स्ट्रॉन्ग करना, उस पर आपको ध्यान देना है, बाकी तो जो कंपाउंड्स उनको लर्न करना है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो बेस है उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे कि पहले आप एटम्स और फिर उनके सिंबल्स और फिर मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड, मिक्सचर, ये सब क्या होते हैं इनके बारे में देखें। केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री आपकी क्या होती है। तो इसके बाद हम बात करते हैं जैसे आपका IPSC वगैरह आपने इंपॉर्टेंट बहुत टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बेसिकली,
तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपको आईपीएससी तो मतलब मस्ट है, इसके बिना तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नथिंग, जीरो रहेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते हैं बिना इसके। तो सबसे पहला आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने से पहले आपको आईपीएससी तो जरूर तैयार करनी है। आईपीएससी के द्वारा ही आप कोई कंपाउंड ऊट पटांग दे दिया जाए उसका नेमिंग करनी हो तो आप आईपीएससी भी आती है तो इजीली आप कर लेंगे। तो आईपीएससी तो बहुत ही मेन है, ये तो आपका एक ऐसा टॉपिक हो गया कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब मास्टर प्लान के लिए मास्टर चैप्टर है, इसके बिना तो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नथिंग है, कुछ भी नहीं, जीरो है। तो इस चैप्टर को तो आपको बहुत अच्छे से टेंथ से ही लेकर के चलना है, टेंथ से ही आप इसको जो तैयार करते चले तो आपको टेंथ में ही पढ़ने को मिलेगा। इसके बाद जैसे आप इलेवेंथ में जाएंगे तो इलेवेंथ में मिलेगा, ट्वेल्थ में आते हैं तो कंपाउंड जो है उनकी आईपीएससी नेमिंग होती है तो वहाँ पर भी आपको देखना है, बीएससी जाते हैं तो वहाँ भी आईपीएससी, तो आईपीएससी के बिना तो कुछ भी नहीं है। आईपीएससी आपके थारोली टेंथ से लेकर के ऑल ओवर हैं, इलेवेंथ ट्वेल्थ बीएससी सभी में आपकी आईपीएससी रहेगी। तो ये तो आपके एक ऐसे चैप्टर है कि इसको कवर करना ही करना है। और चलिए हम बात करते हैं जैसे केमिस्ट्री हमारी होती है, बेसिकली केमिस्ट्री को थ्री पार्ट में डिवाइड किया गया, एक हमारी ऑर्गेनिक होती है, इनऑर्गेनिक होती है और फिजिकल होती है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस क्या है, किस तरीके से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ें, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स हैं आपके, यदि आपने उन चैप्टरों को ध्यान दे लिया स्टार्टिंग में ही तो आपको समझिए कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम लाइफ टाइम नहीं होगी कभी। दो चैप्टर आपके कौन से हैं, तो जैसे पहला चैप्टर हमारा होगा केमिकल बॉन्डिंग हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया और हमारा पीरियोडिक टेबल हो गया। यदि इन चैप्टरों को आपने कमांड कर लिया तो समझिए कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी कंप्लीट होगी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपकी नहीं रहेगी, प्रॉब्लम आपकी समाप्त होगी, खत्म होगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए हम पहले ही आपको बता चुके कि आईपीएससी आपका एक मास्टर चैप्टर है, इस चैप्टर को आपको कमांड करना ही करना है। इस चैप्टर को आपने कमांड कर लिया तो ये कहेंगे कि हमारी केमिस्ट्री का मेजर पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया। और इसके बाद कुछ और चैप्टर्स आते हैं, जैसे हमारा आईपीएससी के बाद आप देखेंगे कि आइसोमेरेज हो जाएगी, रिएक्शन मैगनिज्म हो जाएगी, तो इन चैप्टरों को आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कमांड कर लिया तो समझिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी पूरी। जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसी भी लेवल की पढ़ेंगे आप तो समझिए आपका कंप्लीट हो गया। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही मेजर पोर्शन बोर्ड एग्जाम में भी रहता है और बहुत ही मेजर पोर्शन आपका कॉम्पिटिशन में भी रहता है, चाहे जेई की बात करें चाहे नीट की बात करें सभी में रहेगा। तो इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कमांड करने के लिए आपको इन चैप्टर को जरूर देखना होगा, जैसे हमारा आईपीएससी हो गया, आइसोमेरेज हो गया, रिएक्शन मैकेनिज्म हो गया, इनको जरूर लेकर के चलेंगे। ये बेस है आपका, रिएक्शन मैकेनिज्म के द्वारा आपको ये पता चलेगा कि केमिस्ट्री हमारी क्या है, किस तरह की केमिकल रिएक्शन होती है, कौन सा प्रोडक्ट कहाँ से निकल रहा है, कहाँ पर ऐड हो रहा है। केमिस्ट्री का मतलब क्या है कि जो ओल्ड बॉन्ड्स होते हैं वो आपके ब्रेक होते हैं, न्यू बॉन्ड फॉर्म होते हैं, तो नए नए बॉन्ड फॉर्म होते जाएंगे, पुराने बॉन्ड आपके ब्रेक होते जाएंगे, इसी को हम केमिस्ट्री कहते हैं, इसी से आपके नए नए कंपाउंड बनते हैं, केमिकल चेंजेस हो जाते हैं, उसी को हम केमिस्ट्री कहते हैं। जहाँ पर केमिकल चेंजेस होते हैं वही आपकी केमिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री को कमांड करने के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मेन आपकी चैप्टर्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए हम बता ही चुके आप पीरियोडिक टेबल हो गया, केमिकल बॉन्डिंग हो गई, आपकी एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, इनको यदि आपने कमांड कर लिया तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी पूरी कमांड हो गई। चलिए बात करें फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री में कोई पर्टिकुलर ऐसा चैप्टर नहीं है, फिजिकल केमिस्ट्री थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल बेस्ड रहती है, तो इसका ये अपने आप में इंडिपेंडेंट रहती है, इसका एक दूसरे कोई इंटरकनेक्शन नहीं होता है, इसमें तो आप कोई भी चैप्टर स्टार्ट करके जो है पढ़ सकते हैं, इसमें नो प्रॉब्लम। और जबकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह ये इंटरकनेक्टिंग होती है, यदि आपको पहले का चैप्टर नहीं आता है तो आपकी आगे की चैप्टर्स नहीं आएंगे, इसीलिए आपको टेंथ से ही बेस लेकर के चलना है। मेन आपकी पहली सीढ़ी हमारी जो है 9-10 होती है, बेस आपको वहीं से स्ट्रॉन्ग करना है, उसके बाद आप 11-12 में थोड़ा ध्यान देंगे, तो जो आप टेंथ में पढ़ेंगे उसी के बारे में आपका 11-12 में रहता है, वही है आपको केमिस्ट्री, ज़्यादा चेंजेस नहीं होते, उन्हीं का डिस्क्रिप्शन बढ़ जाता है आपका, तो आप उस हिसाब से तैयारी करें कि आपको जो है कोई प्रॉब्लम केमिस्ट्री से रिलेटेड ना हो। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो हमने आपको मेथड बताया, यदि आप इस तरह की तैयारी करेंगे तो नो डाउट डेफिनेटली आपको 100% बेनिफिट होगा, कोई आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको कभी नहीं रहेगी। तो आपको इस हिसाब से केमिस्ट्री को देखना है कि केमिस्ट्री के हमारे 3 पोर्शन हैं, एक आपका इनऑर्गेनिक और ये इनऑर्गेनिक कमांड करने के लिए आपको क्या करना है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कमांड करने के लिए
आपको देखना है कि पहले हमारा एटमिक स्ट्रक्चर के बारे में देखें, इसके बाद केमिकल बॉन्डिंग और फिर हमारी पीरियोडिक टेबल। यदि आपने तीनों चैप्टर कमांड कर लिए तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी कमांड। इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम बात करते हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे कठिन लगती है बच्चों को। बच्चे से आप पूछें केमिस्ट्री में कौन सा पोर्शन कठिन है, कौन सा पोर्शन हार्ड है, तो सबसे टफ बच्चे को ऑर्गेनिक ही लगता है। तो ऑर्गेनिक का इसलिए लगता है क्योंकि बच्चे का बेस रहता नहीं है, स्टार्टिंग में 9th-10th में बच्चे का उस तरीके का माइंड रहता नहीं है, वो अपना पिकअप नहीं करता है। 11th है, 11th पूरा बेकार कर देता है बच्चा, मौज मस्ती में जो गुजार देता है, जबकि मेन आईपीएससी हमारी 11th में ही है। 11th बच्चा पढ़ता नहीं है, जब 11th नहीं पढ़ोगे तो आगे के आपका 12th में कहाँ से आ जाएगी। तो आप स्टार्टिंग से ही इसको बेस लेकर के चलें और इसकी प्रॉपर तरीके से आप तैयारी करें, और यदि आपने इस हिसाब से कमांड कर लिया तो केमिस्ट्री आपकी बहुत ही बेटर हो जाएगी, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी केमिस्ट्री में। तो आप इस हिसाब से अपनी तैयारी को जारी रखें। ओके, ऑल द बेस्ट।